मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने लोगों को खूब मोदी मिठाई खिलाई और वहीं केंद्र सरकार के कामों का कुछ इस तरह बखान किया। पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री बताते हुए सुबह सुबह जब बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा एक में निकले तो हर कोई बधाई बधाई कह रहा था। दरअसल यहां एक नंबर विधायक सुदर्शन गुप्ता ने जनता को मोदी मिठाई खिलाकर मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सम्मान है, आज पूरे विश्व में अगर कोई निर्णय लेना होता है तो बिना नरेंद्र मोदी जी के, बिना भारत के कोई निर्णय नहीं होता है। 176 देशों में योग का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और उसके साथ साथ सारे देश भारत की दिशा पे जान लग गए कि हमारे जो पुरानी परंपराएं थी, वैदिक परंपराएं थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लागू की थी योग की, वो योग आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। उसका कारण अगर कोई है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जब उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में प्रस्ताव रखा तो सबने उसको सहर्ष स्वीकार किया और योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में ये सब कार्यक्रम होने लग गए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर पूरे देश में भाजपा जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न मना रही है। इसी क्रम में विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भी स्पेशल मिठाई तैयार करवाई और जनता का खूब मुंह मीठा कराया। मोदी जी के 4 साल बेमिसाल, चाय जाएगी, मिठाई वितरण की जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी, शाम को 6 मिठाई का वितरण किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता बंधु समय पर बधाने का स्वागत। आज मोदी जी की कार्यकाल के सफलतम 4 वर्ष हैं और वो बेमिसाल हैं। वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है और प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसने पूरे विश्व में भारत की छाप छोड़ी है। एक समय था जब भारत की बात को कोई सुनता नहीं था, आज अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बात बोलते हैं तो पूरा विश्व उस बात को गंभीरता से लेता है और उनके पक्ष में खड़े होकर, उनके समर्थन में खड़े होकर उनकी बात को तवज्जो देते हैं। जब से मोदी जी की सरकार बनी है वह एक तरफ विकास कर रही है, दूसरी तरफ अनेक कल्याणकारी योजना लागू कर रही है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर केंद्र की सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उत्थान करने में लगी है। 4 साल होने के अवसर पर आज इंदौर विधानसभा क्षेत्र में एक में हमने जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बीच में जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, सरकार की जो उपलब्धि है उनकी जानकारी दी और उनका मिठाई वितरण करके उन सबका मुंह मीठा कराया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मजदूर चौक पर भी मजदूरों के बीच मिठाई का वितरण किया और उन्हें मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा दिया। इस अवसर पर भाजपा के एक नंबर विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के प्रयास से गांवों में हर घर में बिजली गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया है, हर घर के अंदर लोगों को बीमा योजना से सुरक्षित करने का काम किया है जिससे कि आम नागरिकों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। उधर जनता भी मोदी मिठाई खाकर खुश नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।